हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेश कुमार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सन टीच में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप ईमेल आईडी या जीमेल आईडी या गूगल अकाउंट कैसे बना सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो ईमेल आईडी बनाने के लिए हम यूज करेंगे अपने क्रोम ब्राउज़र का। अपने क्रोम ब्राउज़र को हमने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना होगा क्रिएट जीमेल अकाउंट। क्रिएट जीमेल अकाउंट को सर्च करना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो पहली वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है, क्रिएट योर गूगल अकाउंट, यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे मोबाइल में अभी 3 गूगल अकाउंट साइन इन हैं। तो यहाँ पर हमको ऐड अकाउंट यहाँ पर क्लिक करना होगा। और अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया ऐड अकाउंट पर। यहाँ पर चेकिंग इन्फो होगा और यहाँ पर हमारा लॉग लगा हुआ है, इसको हम खोल दें। तो यहाँ पर अभी चेकिंग इन्फो हो रहा है और यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद फॉर माई सेल्फ यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। तो इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको लिखना होगा फर्स्ट नेम, जैसे यहाँ पर हम अपना नाम लिख रहे हैं। और यहाँ पर सेकेंड नाम लिखना है अपना, जैसे यहाँ पर हमने अपना नाम लिख दिया धर्मेश कुमार। और इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन, इंटर योर बर्थडे एंड जेंडर, यहाँ पर आपको अपना बर्थडे या जन्मदिन यहाँ पर आपको दर्ज कर देना होगा। यहाँ पर मंथ सेट कर रहे हैं, यहाँ पर आपकी जो हो वो आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ दूसरा ऑप्शन है जेंडर का, यहाँ से हम सेलेक्ट कर रहे हैं मेल। उसके बाद आपको यहाँ से कर देना है नेक्स्ट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं क्रिएट आ जीमेल, आपको यहाँ पर एक जीमेल क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम जीमेल क्रिएट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम अपना नाम लिख रहे हैं। धर्मेश 1 2 3 नेक्स्ट कर दिया हमने। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दैट यूजर नेम इज टेकन, ट्राई अनदर। यानी ये जो हमने लिखा है धर्मेश 1 2 3, ये यूजर नेम कोई यूज कर रहा है, तो हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम और कुछ यहाँ पर डाल करके देख रहे हैं, बाद में हम यहाँ पर कुमार भी लगा दे रहे हैं और यहाँ पर नंबर डाल दे रहे हैं। अब हम यहाँ पर फिर करेंगे नेक्स्ट पर क्लिक। तो ये यूजर नेम भी यहाँ पर लिया गया है, इसको भी हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अवेलेबल में हम देख सकते हैं DK, तो इस अवेलेबल वाले को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। या आप यहाँ पर और भी इसी तरह से लिख करके नंबर और लेटर लिख करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अवेलेबल जो है इसी को हम यूज कर रहे हैं, इस पर क्लिक कर दिया हमने। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना स्ट्रांग पासवर्ड बना लेना है। तो इस तरह से हमने अपना स्ट्रांग पासवर्ड बना लिया है। यहाँ पर आपको यस आई एम इन, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं धर्मेश कुमार डी के, ये आईडी हमारी बन करके आ चुकी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइवेसी एंड टर्म्स गूगल की दी हुई हैं, आई एग्री पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपकी ईमेल आईडी या जीमेल आईडी या गूगल अकाउंट बन
बन करके तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, सनटीच चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।